सेवन मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2 वेरीफाई दी फॉलोविंग्स ए 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3 तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 प्लस माइनस माइनस 3 यानी 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 4, 18 फोर जा 72। अब हम आरएचएस को अलग से सॉल्व करेंगे। आरएचएस 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3, 18 सेवन जा 126 प्लस 18 मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3 126, 18 थ्री जा 54 प्लस माइनस माइनस 54, 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 5 7, बोथ आर सेम। LHS equal to RHS verified, therefore verified। Second हमारे पास second part B -21 multiply -4 plus -6 equal to -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। सेम इसमें भी करेंगे हम, LHS ये सारा -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन -4 प्लस माइनस -6 -21 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 साइन माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 10 210 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब RHS -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 21 फोर जा 84 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 21 इंटू 6 126, दोनों को प्लस करेंगे 10 0 1 11 210। आप देखो दोनों इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट। फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इनटू ए इक्वल टू। आंसर -1 इनटू ए इक्वल टू माइनस ए, ए इनटू 1 ए और साइन आ जाता है माइनस का, तो -1 इनटू ए इज -a। इसी का सेकंड पार्ट,
Determine the integer whose product with minus 1 is. कहता माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आंसर? किसे मल्टीप्लाई करने पे? तीन क्वेश्चन है आपके। ए माइनस 22, यानी माइनस 22 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 22 बन जा 22, और साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, और हम इसे सिर्फ 22 लिख सकते हैं। बी बी में कहता है 37, तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस 37 आएगा, साइन चेंज हो जाता है। कैसे? 37 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो 37 बन जा 37 माइनस एज इट इज माइनस। इसी तरह सी पार्ट आपके पास है 0, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 0, यानी किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग है -1 × 5 से, तो आंसर आ जाएगा -5, फिर -1 × 4 -4, फिर -1 × 3 -3, -1 × 2 -2, -1 × 1 -1, -1 × 0 0, -1 × -1 = 1। आप देखोगे कि 1 प्लस करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है, जैसे -4 कैसे है इक्वल टू -5 में प्लस 1 ऐड कर दो तो आपके पास क्या जाएगा -4, और फिर -4 में प्लस 1 ऐड कर दो तो -3, -3 में प्लस 1 ऐड कर दो तो -2, -2 में प्लस 1 ऐड कर दो तो -1, और -1 में प्लस 1 ऐड कर दो तो 0, और 0 में प्लस 1 ऐड कर दो तो 1। तो ये एक तरह से ये एक पैटर्न हो गया, उसने कहा ना पैटर्न बताओ, तो ये एक तरह का पैटर्न है, और हमने ये क्वेश्चंस यहाँ तक जो है वो शो कर दिया। क्वेश्चन 5th, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट आपका है 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कॉमन ले लेते हैं, दो टर्म है इसमें, एक ये है और एक ये है, दोनों में से -48 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ 26 बचता है, फिर ये प्लस का साइन, ये आपने कॉमन लिया है तो आगे -36 आपके पास बचता है। तो -48 26 प्लस माइनस -36, यानी -48 दोनों में से माइनस हो जाएगा तो 10, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 480 -(-) + ये आपका आंसर है। ठीक है मामा, अगले में मैम ये इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड देखो 8 × 53 − −125। अब हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो को ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव, यानी इन दोनों की जगह बदल देंगे, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिविटी, इसे लिखेंगे 8 × −125
मल्टीप्लाई 53। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होगी आपकी कम्यूटेटिविटी। कैसे? हमने इन दोनों के आपस में जगह बदल दी है और ये प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पहले इन पहले दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनके प्रोडक्ट से बाद वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 आएगा और मल्टीप्लाई 53। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान है, 53 के पीछे 30 लगा दो और माइनस, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखो, 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में 15 मल्टीप्लाई, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -25 को -4 से, तो प्रॉपर्टी आ गई आपकी एसोसिएटिविटी। फिर मल्टीप्लाई करके देखो, 25 फोर जा 100 माइनस माइनस प्लस, तो इनकी जगह 100 आ गया, मल्टीप्लाई -10। फिर आप फिर दोबारा एसोसिएटिविटी लगाओगे, बाद में इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, इन्हें पहले मल्टीप्लाई करो, यानी 15 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई -10। तो दोबारा आपने एसोसिएटिविटी लगा दी, क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई ये -1000 हो जाएगा। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000, और माइनस पहले था ही आपके पास। फोर्थ, -41 मल्टीप्लाई 102, तो इसमें -41 को मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 100 प्लस में 2, और इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी -441 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस -41 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर आ जाएगा, दो जीरो ही तो लगाने हैं पीछे, यानी -41 और 2 जीरो प्लस -82। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, -4100 प्लस माइनस -82, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4182 और माइनस माइनस प्लस हो गए, बड़े के सामने माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये आपका आंसर है। फिफ्थ, 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। तो इसमें कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो फर्स्ट में लगाया था हमने, कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या था, कॉमन लेना था, तो 625 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा -35 प्लस 625 कॉमन लिया तो -1 यहाँ बचता और मल्टीप्लाई में 65। तो 625 -35, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, -1 इंटू 65 625 माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आएगा, बड़े के सामने माइनस है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और 20 तो एज इट इज आ गया और ये माइनस यहाँ आ गया, ये आपका आंसर है। एफ, 7 मल्टीप्लाई 50 -2, तो इसमें हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? 7 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 750 से 3
350 माइनस 7 टू जा 14, दोनों को माइनस करेंगे 336 आपका आंसर है। माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 29, तो माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 29 को मैं लिखूंगा माइनस 30 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 29 हो गया। अब मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 30, फिर प्लस का साइन, माइनस 17 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस 17 थ्री जा 510, प्लस माइनस माइनस 17 वन जा 17, 110 माइनस 17 493 आपका आंसर है। H में आपका माइनस 57 मल्टीप्लाई माइनस 19 प्लस 57, माइनस 57 कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह बचेगा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 19 और यहां बचेगा प्लस 1। 57 माइनस 1 इंटू माइनस 19, 19 प्लस 1, 57 ये 20, 57 इंटू 20 1140 आपका आंसर है। प्रॉपर्टी कौन सी लगी इसमें, पहले तो हमने कॉमन लिया, तो पहले क्या लिया हमने, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो अंदर आया उसे सिंप्लीफाई किया, तो कन्वर्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तरह से इसमें लगी, हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अंदर ही इसे सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 6, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री। कहता है रूम टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस था, कौन सा इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, अब उसे कम होना है, तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीज होने की स्पीड क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। इस स्पीड से टेम्परेचर कम हो रहा है, हर एक घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इक्वल टू, पहले कितना था 40, माइनस हर एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 10, यानी 40 माइनस 50 डिग्री यानी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 10, marks awarded for correct answer 5, marks for every incorrect answer, marks for every incorrect
आंसर -2. Marks for not attempting the question. Marks for non-attempting. The question 0. अगर कोई क्वेश्चन नहीं करते तो 0 मार्क्स मिलेगा. करेक्ट सही लिख रहे हो तो 5 नंबर, गलत लिख रहे हो तो 2 नंबर -2, और नहीं लिखते तो 0. ये है सारा आपका. फिर फर्स्ट पार्ट कहता है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स, 6 इनकरेक्ट. व्हाट इज हिज स्कोर? स्कोर ऑफ मोहन 4 करेक्ट, तो 4 मल्टीप्लाई 5. 6 इनकरेक्ट प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2. अब इन्हें प्लस कर लेंगे. 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, यानी प्लस 8. 20 माइनस 12, 8 मार्क्स उसके आंसर है. अब सेकंड इसने पूछा है रेशमा गिव्स 5 करेक्ट आंसर, स्कोर ऑफ रेशमा. फाइव करेक्ट, तो 5 मल्टीप्लाई 5, एंड 5 इनकरेक्ट प्लस 5 मल्टीप्लाई -2, तो 5 5 जा 25, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, यानी 15 मार्क्स. थर्ड, हीना गेट 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट. तो हीना, स्कोर ऑफ हीना 2 करेक्ट, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 इनकरेक्ट, 5 मल्टीप्लाई -2, 10 प्लस माइनस -10, यानी 0. क्वेश्चन 8, सीमेंट कंपनी एक जो है प्रॉफिट अर्न करती है 8 रुपीज का पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट के केस में प्रॉफिट होता है कंपनी को, प्रॉफिट रुपीज 8 पर बैग. अगर व्हाइट सीमेंट जो सेल आउट कर रही है एंड लॉस ऑफ रुपीज, लेकिन ग्रे सीमेंट के केस में, ग्रे सीमेंट के केस में लॉस हो रहा है. कितने रुपीज का? रुपीज 5 पर बैग. केस फर्स्ट क्या है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन द मंथ. टोटल प्रॉफिट और लॉस, तो 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट है देखना. 3000 बैग वो सोल्ड आउट करते, एक बैग पे 8 रुपीज हो रहे हैं, तो 24,000 रुपीज. लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट पे लॉस कितना हुआ, कितने 5000 बैग मल्टीप्लाई 5, तो 25,000 का रुपीज का लॉस हुआ. तो प्रॉफिट से बड़ा है लॉस, देयरफॉर नेट लॉस, नेट लॉस कितना हुआ 25,000 माइनस 24,000, यानी रुपीज 1,000 का लॉस हुआ है. फिर वो कहता है नेक्स्ट इसके बाद कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग मस्ट सेल्ड आउट इफ नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400. बी पोर्शन में कहता है